हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास 6 मैथमेटिक्स के सेकंड वीडियो लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और नंबर्स में हम लोग इंडियन सिस्टम को हमने पढ़ के क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। कौन से सिस्टम को? इंडियन सिस्टम को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए हैं किस में? इंटरनेशनल सिस्टम में। आपको याद है इंडियन सिस्टम में अगर कोई नंबर लिखा रहता है, जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 2562345689, अगर ये कोई नंबर है तो हमें पीछे से पहले 3 के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर किसके बाद लगाना है, 2 के बाद लगाना है। तो हमें पता है कि ये वंस वाला ग्रुप है, ये थाउजेंड वाला, ये लैक वाला, ये करोड़ वाला और ये अरब वाला। तो ये नंबर का क्या हो जाएगा, 2 अरब 56 लाख 23 लाख 45,689। लेकिन अगर यही नंबर है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे, तो ये हमें सीखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे न्यूमरेशन किया जाता है या नंबर को कैसे पढ़ा जाता है। तो द इंटरनेशनल सिस्टम इस एडॉप्ट बाई ऑल द कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड, और विदेश में जितने भी देश हैं, लगभग बहुत सारे देशों ने कौन से सिस्टम को अपनाया है, ये इंटरनेशनल सिस्टम को अपनाया है, इसलिए हमें भी ये सिस्टम आना चाहिए। तो देखो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में वही सेम यूनिट, टेंस, हंड्रेड। ये तो हमारे इंडियन सिस्टम में भी था, जिसको हम वंस, टेंस और क्या बोलते हैं, हंड्रेड बोलते हैं। लेकिन फिर आगे जाएंगे हम तो इन्होंने 3 का ग्रुप है, फिर आगे देखो कितने का ग्रुप बना रखा है, वापस 3 का, 1 2 3। लेकिन हमारे में 2 ही था, 1000, फिर 10,000, फिर हमारे में अगला ग्रुप था लैक, 10 लैक, फिर अगला ग्रुप था करोड़, 10 करोड़, फिर अगला ग्रुप था अरब, 10 अरब। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, देखो इधर 1000, फिर 1000 के बाद क्या आ गया, 10,000, फिर क्या आ गया, 100,000। कितना आ गया, 100,000। जैसे देखो मैंने अगर एक ये नंबर लिखा, अब मैंने आपको बोला कि इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ो, किस में पढ़ो, इंडियन सिस्टम में। तो आप यहाँ पे 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। आप बोलोगे सर ये तो वंस वाला हो गया, ये 1000 हो गया और ये हो गया लैक, तो क्या बोलोगे, 1, फिर तो सारे ही 0 है, तो 1 लैक। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 लैक। अब इसी नंबर को मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने के लिए। अब इंटरनेशनल सिस्टम में तो 3 3 के बाद कॉमा लगाना है, कितने के बाद कॉमा लगाना है, जैसे यहाँ 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद। तो देखो 1 2 3, 3 के बाद कॉमा लगाया, अब इन 3 के बाद तो कॉमा लगेगा नहीं, तो अब देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000। अब लैक नहीं होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 100,000। यानी हम 1 लैक को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, 100,000, ऐसे एनडी 100,000। तो इस तरह से हम इसको किस में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे। अब 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन। क्या आएगा, मिलियन। मिलियन के बाद क्या आएगा, 10 मिलियन। फिर क्या आएगा, 100 मिलियन। फिर मिलियन के बाद क्या आएगा, बिलियंस। मिलियन, मिलियन के बाद फिर क्या आएगा, बिलियन। सबसे पहले स्पेलिंग ध्यान रखना, मिलियन की MILLION, मिलियन, थाउजेंड के बाद। फिर क्या आएगा, बिलियन, BILLION, मिलियन में भी कितने, मिलियन, फिर 10 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 100 बिलियन। तो अब देखो इनको पढ़ते कैसे, तो सबसे पहला नंबर ये, तो सबसे पहले हमें पता है कि ये नंबर है, इसमें 3 के बाद कॉमा लगाना है, 1 2 3, तो यहाँ कॉमा लग जाएगा। अब आगे तो 3 नंबर आ ही नहीं रहे, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले दिख रहा है हमें 46,
तो हम पढ़ेंगे 46 और क्या पढ़ेंगे 1000, क्या पढ़ेंगे 46,000, फिर आगे सेम 46,324, तो इस तरह हमें इसको इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर को देखेंगे। देखो नेक्स्ट नंबर है ए 1, 2, 3, यहाँ कोमा लग जाएगा, फिर 1, 2, 3 यहाँ कोमा लग जाएगा। अब यहाँ से ये पढ़ना है इसको। अब आपको पता है ये ग्रुप वंस वाला है, फिर थाउजेंड वाला है, फिर क्या है मिलियन, तो बस 7 ही है मिलियन में, तो क्या लिखेंगे 7 मिलियन, क्या लिखेंगे 7 मिलियन, फिर क्या है 824, क्या है ये पे, यहाँ पे कितने नंबर है 824, तो क्या लिखेंगे EIGHT 824, और क्या है ये 1,824,000, तो पहला था 7 मिलियन, फिर 824 क्या है 1,000, फिर लास्ट में देखो क्या लिख रखा है 073, तो ये बस क्या है 73, और लास्ट में क्या आ जाएगा 73। तो देखो पहला वाला ग्रुप तो सिंपल, फिर उसके बाद अगला ग्रुप क्या है 1,000 का, फिर उससे अगला ग्रुप क्या आया मिलियंस का आया। अब ये नेक्स्ट नंबर है तो 1, 2, 3 के बाद कोमा लग जाएगा, फिर 1, 2, 3 के बाद कोमा लग जाएगा, फिर 1, 2, 3 के बाद कोमा लग जाएगा। तो अब ये हो गया वंस वाला, ये हो गया 1,000 वाला, ये हो गया मिलियन वाला, अब ये क्या हो गया बिलियन वाला, तो क्या आएगा इसका 6 बिलियन, ठीक है 6 बिलियन हो गया। फिर अब देखो 259 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 259 क्या है मिलियन, 259 क्या है मिलियन है, क्योंकि 259 मिलियन, फिर क्या है 440, स्पेलिंग सही कर लेना FORTY, 447, और क्या है 1,000, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है 1,000 का, तो 447,000, और लास्ट में क्या है 488, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 488 EIGHTY 88 EIGHT, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करना है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये टेबल आपको अपने होमवर्क में क्या करनी है बनानी है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करना है सॉल्व करना है। अब हम आते हैं आगे चलते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 5 है। अब आपको इस एग्जांपल नंबर 5 को क्या करना है, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो नंबर क्या है 3531278, तो इंटरनेशनल सिस्टम में देखो क्वेश्चन में आई गया कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो 1, 2, 3 तीन के बाद कोमा, फिर 1, 2, 3 3 के बाद कोमा। अब देखो ये हो गया वंस वाला ग्रुप, ये हो गया 1,000 वाला ग्रुप, और ये हो गया मिलियन वाला ग्रुप, तो हो गया 35 मिलियन, तो देखो क्या लिख रखा है 35 मिलियन। फिर देखो ये क्या है 312 यानी 312, क्या लिख रखा है 312, लेकिन ये कौन सा ग्रुप है 1,000, तो 312, फिर आगे क्या लगा रहा है 1,000, फिर लास्ट में क्या लिख रखा है 748, तो है ना इजी बिल्कुल, तो ये बहुत सिंपल है। उसके बाद आप 6 क्वेश्चन में आओगे, ये क्वेश्चन दे रखा है इसको नंबर्स में लिखना है, यानी ये क्वेश्चन है इसको अब नंबर्स में लिखना है, तो आप ऐसा टेबल बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या लिख रखा है 35, सबसे लास्ट वाले ग्रुप में क्या लिख रखा है 35,
फाइव, तो देखो पीछे क्या आ जाएगा 35, अब 100 तो दे नहीं रखा तो 100 तो जीरो रहेगा, अब 1000 वाले में क्या लिख रखा है देखो 702 यानी 702, ये क्या है 702, और फिर क्या लिख रखा है 85 मिलियन और 85, और आप ऐसे भी लिख सकते हो सबसे पहले शुरू से शुरू करना, 85 मिलियन है तो पहले 85 लिख लेना, फिर लिख रखा है 702 तो फिर लिख देना 702, फिर क्या लिख रखा है 35, अब ध्यान रखना यहाँ पे 35 है, तो कई बच्चे क्या लिख देंगे ऐसे 35 और उसका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, 85 मिलियन सही है आपका, 702 भी आपका क्या है 702 भी आपका 702 भी आपने लिख लिया, लेकिन अब ये लास्ट में आपको ये ध्यान रखना 35 है, अब 35 में 100 वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो 100 वाला पार्ट नहीं है तो जीरो लगाना 100 की जगह और 35, अगर आप नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। फिर देखो तीन के बाद कोमा लगाओ, अब इसको वर्ड्स में पढ़ो, देखो ये हो गया वंस वाला पार्ट, ये हो गया 1000 वाला पार्ट, ये मिलियन वाला, तो देखो 85 मिलियन आ गया ना, 85 मिलियन, 702 1000 तो 702 1000 और लास्ट में क्या आ गया 35। तो इस तरह हम इंटरनेशनल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और इस एक्सरसाइज 1.1 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास सिक्स का जो पहला चैप्टर है नोइंग आवर नंबर वो हम पढ़ रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया है, अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हम 1.1 एक्सरसाइज में आ गए, आपके पास बुक है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी कॉपी में और उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो साथ में वीडियो को देखते देखते आप अपनी बुक की मदद से आपकी कॉपी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन में आएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल इन वर्ड्स, हमें इसको किस में लिखना है वर्ड्स में, लेकिन किस में लिखना है इंडियन सिस्टम में, किस में लिखना है इंडियन सिस्टम में। तो फर्स्ट नंबर ये है, देखो आपको पता है पहला ग्रुप होता है वंस, फिर दूसरा ग्रुप होता है थाउजेंड और तीसरा ग्रुप इसमें क्या होता है लैक, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक, तो क्या हो जाएगा 2,60,000 SIXTY क्योंकि 60 है 60,000 430 THIRTY 430, तो ये फर्स्ट वाले का कंप्लीट हो गया हमारा वर्ड्स में। सेकंड देखो ये वंस वाला ग्रुप है, ये थाउजेंड वाला है, फिर उसके बाद हमें पता है ये लैक वाला है और ये कौन सा है करोड़ वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 करोड़, फिर देखो क्या है 08 है यानी का इसका मतलब 80 है EIGHT 8,73,000, फिर देखो 100 वाला पार्ट है ही नहीं, बस 89 ही है, क्या लिखेंगे 89, ये हमारा सेकेंड वाला कंप्लीट हो गया। थर्ड देखो वापस ये वंस, ये थाउजेंड, ये लैक और ये क्या हो जाएगा करोड़, तो 8 है तो EIGHT 8 करोड़, और कितने लैक है 2 लैक, फिर क्या 74,000, फिर क्या है 40 की स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना, 40 की स्पेलिंग FORTY 44 FOUR, तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला। इसके बाद हम देखेंगे ये तीनों ग्रुप है वंस, फिर थाउजेंड और फिर क्या है लैक, तो कितना हो जाएगा 70
5 लाख TWENTY 20,000 T020, फिर बस 2 ही है, फिर क्या लिख देंगे 2, ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, सारे वर्ड्स में मैंने लिख दिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसका घर पे क्या कर सकते हो, वर्ड्स में बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। इन नंबर का आप घर पे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो वर्ड्स में बना के। हम आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में ये वर्ड्स में लिख रखा है, हमें इसको क्या लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आते हैं। हमें पता है इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पीछे से 3 से कॉमा लगता है, फिर 2-2, तो क्या है 10 लाख, तो 10 लाख है तो 10 लिख देंगे, ये 10 वाला ग्रुप हो गया, कॉमा 38,000, तो ये 38 का ग्रुप हो गया 38,000, कॉमा 643, तो 600 फिर 43, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट का आंसर। देखो बिल्कुल सिंपल है, 643 फिर 3 के बाद कॉमा फिर 2 फिर 2, ठीक है बी। इसके बाद देखो 3 करोड़, तो 3 करोड़ हो गया, कॉमा 22 लाख, तो हो गया 22 लाख, कॉमा 87,000, 87 हो गया 87,000, कॉमा अब लिख रखा है बस 8। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, गलत हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाले में तो कितने आते हैं, 3 आते हैं, 100 वाले में कुछ नहीं दे रखा, 0, टेंस में कुछ नहीं दे रखा, 0, और बस क्या लिख रखा है 8, ये होगा नंबर 3 करोड़ 22 लाख 87,000, फिर ये 8। कई बार बच्चे ऐसे लिखेंगे 3 करोड़ 22 लाख 87,000 और ये 8 लगा देंगे, ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये तो लाख में ही आ रहा है, पर हमारा तो क्या है करोड़ है, तो इसलिए ये बात का ध्यान रखना है, 100 वाला नहीं था इसलिए 0, टेंस वाला नहीं था 0, और उसके बाद 8, तो ये हमारे दोनों का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस यानी हमें उनका सब्ट्रैक्शन करना है, किसका सब्ट्रैक्शन करना है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, यानी ये जो नंबर है 2765093 4 है ना, इसमें मैं कोमा लगा देता हूँ, यहाँ पे इंडियन सिस्टम में ये नंबर है 2765093 4, तो इसका सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, मैंने बोला था नंबर की पोजीशन, तो 7 का प्लेस वैल्यू निकालना, तो 7 लिखेंगे, फिर कितने 1 2 3 4 5 6, कितने 0 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, फेस वैल्यू, और 7 का फेस वैल्यू क्या रहेगा, 7 ही रहेगा, क्योंकि फेस वैल्यू तो वो की वही वैल्यू होती है जो उसकी सेम वैल्यू होती है। अब इनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, किसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि हमें प्लेस वैल्यू में से किसको माइनस करना है, फेस वैल्यू को, यही होता है डिफरेंस। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 7, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना आता ही है, ऐसे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट करना है, आपको पता ही, इधर से कैरिंग लेते जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो कितना आएगा 3, फिर यहाँ सब जगह 9 9 9 9 9, और यहाँ कितना रह जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 8, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, अब हमें डिफरेंस नहीं निकालना, फोर्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है, सम निकालना है, सम यानी एडिशन, हमें सम निकालना है किसका, प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का, किसका, 6 का,
4532150. इसमें जो 6 है, एक तो सम निकालना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 6, 3 का भी प्लेस वैल्यू निकालना है. सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 3 लिखेंगे, फिर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6, किसका निकालेंगे प्लेस वैल्यू 6 का, तो 6 लिखा, फिर 6 के बाद 1, तो 60, ये हो गया. अब इनका हमें क्या निकालना है, सम करना है, किसका सम करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो कितना हो जाएगा 3 1 2 3 4 5 0 प्लस 60. तो इनको ऐड करना आता ही है आपको, ये 60 लिख दिया, ऐड कर दिया 0 6 0 0 0 3 3 6 0, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, हमें इसको क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. किसमें लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी एक्सपेंड करके लिखना है. सिखाया था मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, कि उनकी सबकी क्या निकाल लो आप, प्लेस वैल्यू निकाल दो और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो. सबसे पहले हम 2 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 2, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, फिर 1 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6, फिर 4 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 प्लस, फिर 5 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 प्लस, 4 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 प्लस, 7 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 सॉरी 1 2 ही है प्लस, 8 की प्लेस वैल्यू 8 और 1 0, फिर उसके बाद 6. ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा. 5 8 6 0 0 0 4, सबसे पहले 5 की प्लेस वैल्यू 5, 1 2 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 प्लस, 8 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 प्लस, 6 की प्लेस वैल्यू, एक एक जीरो कम होता जाएगा, 1 2 3 4 प्लस. अब आपको पता ही है जीरो की प्लेस वैल्यू तो क्या होती है, जीरो ही होती है, तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी में भी आप जीरो ऐड करोगे, अगर 2 में जीरो ऐड करोगे तो हमेशा 2 ही आएगा, तो इसलिए जीरो लिखने की जरूरत, यहाँ पे भी जीरो की प्लेस वैल्यू 0, जीरो की प्लेस वैल्यू 0. अब 4 का क्या हो जाएगा, 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 2 1 7 0 0 4 5. सबसे पहले 6 कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 का कितना रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस, 1 का कितना रह जाएगा, 1 2 3 4 5 प्लस, 7 का कितना रह जाएगा, 1 2 3 4 प्लस. अब 0 की प्लेस वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, 4 की प्लेस वैल्यू 4 0 प्लस क्या हो जाएगा, 5. ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा. और आप 5th क्लास से इसको करते हुए आ रहे हो, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोस आर इन देयर इन 10 लाख एंड 1 लाख. हमें बताना है 10,000 में नंबर ऑफ जीरो, कितने जीरो आते हैं 10,000 में. तो पहले मैं 10,000 लिख लेता हूँ, आपको पता ही है 10,000 कैसे लिखते हैं, 10 लिखेंगे कॉमा, फिर 1 2 3, क्योंकि देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, और ये क्या हो गया, ये दोनों मिला के 10,000, तो ये हो गया 10,000, कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 10,000 में कितने जीरो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 0, कितने जीरो है, 4 ज़ीरोस, तो ये आपका
आंसर हो जाएगा। सेकंड है 1 लाख में कितने जीरो है, नंबर ऑफ जीरो। तो आपको ध्यान रखना है, आप इस तरह भी बना सकते हो, जैसे देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर लाख, बना सकते हैं ना। तो देखो 1 लाख है तो यहाँ तो 1 रहेगा और बाकी सारे क्या रहेंगे, जीरो। ये देखो 3 के बाद ग्रुप बन गया ना, ये वंस का ग्रुप बन गया, ये थाउजेंड का बन गया, ये 1 लाख। अब कितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 लाख में कितने जीरो है, 5 जीरो से। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। अब ये पूछ रहा है कि टोटल कितने 6 डिजिट नंबर है। तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछे, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि टोटल 1 डिजिट नंबर कितने हैं, तो हमें पता है टोटल 1 डिजिट नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही होते हैं ना सारे 1 डिजिट। ये सारे कौन से डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है। और ये टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने 9 है। तो मेरे को कोई पूछे कि कितने हैं टोटल, अगर इसको तरीके से निकालना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया स्मॉलेस्ट 1। फिर मैं लिखूंगा कौन सा नंबर, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा कौन सा है, 9। इनको माइनस करूंगा, 9 में से 1 को माइनस करूंगा, कितना आएगा, 8। और जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस 1 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 9। तो कितने 1 डिजिट नंबर है, 9 1 डिजिट नंबर है। तो यही काम इसमें हमें करना है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया है। इसमें हम करेंगे सबसे पहले स्मॉलेस्ट क्या लिखेंगे, 6 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटा 6 डिजिट हमें क्या लिखना है, नंबर लिखना है। तो सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर कौन सा है, आपको पता ही है कि 1 लगाओ, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 0 लगा दो। देखो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट हो गए ना, तो 1 लगा के हमने 6 डिजिट लिख दिया। अब उसके बाद है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9। आप सारे 9 9 लिख दो, ये सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 6 डिजिट नंबर। अब इन दोनों का आप क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल के उसमें 1 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पहले तो इसका डिफरेंस निकालो, माइनस करना आता ही है आपको। देखो सब 9 9 आ जाएगा, और 9 में से 1 गया तो क्या जाएगा, 8 8 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5। थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट ज़्यादा हो गया, यहाँ पे भी 1 डिजिट ज़्यादा हो गया, अब ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 डिजिट कम कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 डिजिट नंबर। ये हमने कॉमा लगा दिया, अब बिल्कुल सही हो गया। अब इस आंसर में हमें क्या करना है, प्लस का क्या करना है, 1 करना है। और जैसे ही हम इस आंसर में क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो आपको ही पता है कि अगर हम 8 9 9 9 9 9 में क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो 9 और 1 10, फिर वापस देखो 9 और 1 10, फिर 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 8 और 1 9, तो कितना आ जाएगा, 9 2 3 4 5 0 आ जाएंगे, 3 तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कुल टोटल 9 लाख 6 डिजिट नंबर है। कितने नंबर है, 6 डिजिट, 9 लाख। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें कोई भी कितने डिजिट निकालने हैं, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिख लो, फिर लार्जेस्ट लिख लो, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करके उनमें प्लस 1 कर दो, तो आपका टोटल 6 डिजिट नंबर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी इन ये एक्सपेंडेड में लिखे हुए हैं, हमें इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ईजी है, सबसे पहले देख लो
1 2 3 4 5 0 6 लिख दिया हमने, 5 0 1 2 3 4 6 5 0 थे, अब 4 आ गए, बिल्कुल सही है, तो 8 आ जाएगा। 1 2 3 अब 3 0 आना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 3 0 है, अब अगले नंबर में कितने ज़ीरो आने चाहिए थे, 2 0 आने चाहिए, लेकिन 2 0 वाला तो नंबर ही नहीं है यहाँ पे, 2 0 वाला नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 1 0 फिर उसके बाद आएगा 3, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि मैंने बताया था एक एक ज़ीरो कम होता है, पहले 5 0 थे इसमें, फिर इसमें 4 हो गए, इसमें 3 हो गए, तो अब 2 वाला आना चाहिए था ना, तो 2 वाला आया ही नहीं, इसका मतलब उसकी जगह क्या है, 0 प्लेस वैल्यू वाला है, और फिर 1 आ गया यहाँ पे, ये 1 0 वाला आ गया, फिर बिना 0 वाला। वैसे इसमें चेक करेंगे, पहले तो 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 0 है, अब 5 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़े से ये नंबर आपको मल्टीप्लाई दिख रहा होगा, ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो, ये प्लस है ना, 1 2 3 4 5 सही है, तो 1 आ गया, 1 2 3 4 सही है, तो 9 आ गया, फिर 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 ये भी सही है, 7 आ गया, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, फिर यहाँ पे क्या है, 8 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, और हमने देख ही लिया, अब लास्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया, तो 3 के बाद हम कॉमा लगा देंगे, इसमें भी हम 3 के बाद क्या लगा देंगे, कॉमा, तो 2 1 9 7 8 और उसके बाद 2 और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम सी वाले में देखेंगे, अब सी वाले में कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, पहले इसको सही कर देते हैं, ये क्वेश्चन सही है, इस वाले में सही मैंने करवा दिया। 8 को हम 10,000 से इंटू करेंगे, तो देखो किसी को भी 1000 से इंटू करते हैं, तो 8 तो ऐसे ही लिखते हैं, फिर 1 2 3 4 यानी कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 तो 4 0 लगा दिए, प्लस 6 लिखा, फिर 3 0 है, 3 0 लगा दिया, प्लस 5 को 100 से करेंगे तो 5 है, फिर 2 0 लगा दिया, प्लस फिर 2 को 10 से करेंगे तो 2 20, प्लस क्या हो जाएगा, 3। अब देखो नंबर आ गया 8, फिर 4 0 थे, अब 3 0 हो गए, तो 6, फिर 2 5, 2 0 थे, अब 1 0 है, तो 2, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, 3, और ये कॉमा लग गया, तो ये तीनों इनके आंसर हो गए। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म को अपने किस में चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनको हमें वर्ड्स में लिखना है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, किस में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये वंस वाला आ गया, ये 1000 वाला आ गया, तो ये कौन सा आएगा, मिलियन वाला आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 63 मिलियन, फिर क्या लिखेंगे, 481,000, पहले मिलियन था फिर 1000 था, 481,000, फिर क्या लिखेंगे, 831, तो ये हमारा, इसको वर्ड्स में हो गया, ये भी वंस, फिर 1000, इसमें थोड़ा ये कोमा में गड़बड़ है, इसको आप सही कर लेना क्वेश्चन को, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 के बाद कॉमा लगता है, तो ये 3 3 के बाद क्या लगेगा, कॉमा, इसमें 2 के बाद लगा रखा है, तो इसको सही कर लेना, ये वंस है, ये क्या है, 1000 है, और ये मिलियन है, तो ये क्या हो जाएगा, ई आई जी एच टी, 840 की स्पेलिंग फिर गलत हो गई, FORTY 843 million 575,000 two
101 और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने इनको क्या लिख लिया, वर्ड्स में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए, अब हमें इसको क्या लिखना है, फिगर्स में लिखना है। ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं, अब हमें इनको किस में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो देखो 54 मिलियन, तो लिख दिया 54, कोमा लगा दिया। 32,000, अब देखो 32,000 आया, अब 100 वाला तो है नहीं, 1000 में तीन वर्ड आने चाहिए क्योंकि तीन तीन है ना, तो 32 ही आया, तो जीरो लगाना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, 32,000। फिर देखो 13 ही आया, अब वापस 100 वाला नहीं आया, तो जीरो लगाना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, 13। तो ये होगा 54 मिलियन, 32,013। अब बच्चे क्या लिखेंगे, 54 लिख देंगे, फिर 13 लिख देंगे, 32 लिख देंगे, और फिर क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम में तीन तीन के बाद कोमा लगता है, तो 54। अब आप सोच रहे हो इसमें आगे क्यों नहीं है, आगे जीरो लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं, 54 कोमा, अब ये 32 ही है, बाकी यहाँ पे 300 कुछ होना चाहिए था, तो 0 32, फिर 0 13। 70 मिलियन, तो 70 लिख दिया, कोमा 300,000, तो 300 है, अब देखो 300, तो ये होता है 300,000, कोमा 260, तो ये हो गया 260, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये वाला 10 वाला क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम 11 क्वेश्चन में आ गए, प्रोडक्ट निकालना है हमें, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, प्रोडक्ट का मतलब उनका मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है 8521720। हमेशा हम जब कुछ दे नहीं रखा होता तो हमेशा हम इंडियन सिस्टम में ही करते, तीन फिर दो के बाद, है ना, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू, निकालेंगे किसका, निकालेंगे टू का, प्लेस वैल्यू टू का कितना है, टू, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू टू का। फिर निकालेंगे हम फेस वैल्यू ऑफ टू, और फेस वैल्यू टू का क्या रहेगा, टू ही रहेगा। अब इनका हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट किसका करेंगे, प्लेस वैल्यू इनटू क्या करेंगे, फेस वैल्यू, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा इनटू टू। अब ये इनटू करना बहुत सिंपल है, देखो टू टू को कर दो, टू टू जा फोर, और फिर जितने ज़ीरो हैं वो उतार दो, 1 2 3 4 0, 4 0 उतार दिए, और आप करके देखोगे तो भी ऐसे ही आएगा, टू से करोगे तो 0 0 0 0, फिर 2 2 जा 4, तो यही आंसर आएगा, और ये हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपका काम है कि इसको अपनी बुक में से देखकर आप बिना देखे कॉपी में करें, और अगर नहीं आया तो आप वीडियो देख के इसको कॉपी में क्या करें, कंप्लीट करें, और अच्छे से इसको सीखने की क्या करें, कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो आप अपनी पढ़ाई में लगे रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।